जिस तेजी से मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास इनका जो खपत और प्रदूषण जिस तेजी से बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में सिर्फ भारत में नहीं, भारत जैसे और देश चीन हमसे आगे है। चीन पहले हमारा 1980 का दशक देखिए, चीन और भारत बराबर का, अभी चीन का एमिशन हमसे 4.5 गुना है। भारत में क्लाइमेट चेंज की स्थिति को आप किस रूप में देखते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, क्लाइमेट चेंज का काफी अलग अलग पहलू है। एक तो जो फिजिकली जो चेंज हो रहा है वो भारत भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है आज, लेकिन भारत का कंट्रीब्यूशन अभी भी कंपैरेटिवली स्मॉल है। जो अमीर देश है जैसे अमेरिका है, पूरी आप हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन देखेंगे 1850 से जो हम मापते हैं 24% सिर्फ अमेरिका का, जबकि अमेरिका का पॉपुलेशन पूरी जनसंख्या का मेरे ख्याल 4% के आसपास है, जबकि भारत का जनसंख्या 18% है। भारत का कंट्रीब्यूशन हिस्टोरिकली देखेंगे तो 3% से कम है। हाँ, उसके मतलब कुछ बुरा नहीं है, ऐसे नहीं है, वो भी है लेकिन काफ़ी कम है। तो एज ए होल हिस्टोरिकली देखेंगे तो भारत एज ए एक राष्ट्र पूरा देश देख लेंगे तो लगेगा बहुत कम, लेकिन भारत जिस तेजी से मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास इनका जो खपत और प्रदूषण जिस तेजी से बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में सिर्फ भारत में नहीं, भारत जैसे और देशों में, चीन हमसे आगे है। चीन पहले हमारा 1980 का दशक देखिए, चीन और भारत बराबर का, अभी चीन का एमिशन हमसे 4.5 गुना है। तो चीन 4.5 जनसंख्या एक ही है, हमारा जनसंख्या शायद चीन से थोड़ा ज़्यादा है, कुछ लाख ज़्यादा होगा, लेकिन चीन का पॉल्यूशन हमसे 5 गुना ऑलमोस्ट है, 4.5 गुना ज़्यादा है। तो ये सब देश भी कर रहे हैं, लेकिन जिस देशों ने किया है एक तो वो है, भारत का एक मुद्दा हो गया जो भारत का कंट्रीब्यूशन है। दूसरा मुद्दा यह है, भारत का एक बहुत बड़ा जनसंख्या जिनका कौन, मैं भारत देश का छोड़ दीजिए, भारत के यहाँ पे 142 करोड़ लोग हैं, उसमें 100 करोड़ से 110-15-20 करोड़ लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। भारत का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा भारत का जो ऊपर वाले 10 करोड़ का है, बाकी नीचे वाले का हिस्सा बहुत कम है। उनके लिए क्लाइमेट चेंज का जो असर है, जो भुगतना पड़ रहा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसके लिए भारत का एडेप्टेशन एक्शन प्लान होना, स्ट्रांग होना जरूरी है। एडेप्टेशन कैसे करें, एडेप्टेशन मतलब जो चेंज हो रहा है उसमें आप अपने को कैसे मनाओगे, कैसे आपको नुकसान कम करोगे, कैसे आप उसी में आपको खेती को, आपको काम करने को, एनवायरमेंट को, आपको आजीविका का बाकी तरीका को कैसे ठीक ठाक रखोगे। तो वो जो एडेप्टेशन के जो भारत सरकार का जो करना चाहिए था वो नहीं कर रहा, और जो कर रहा है वो काफ़ी चीज़ गलत कर रहा है। वो इतना मेगा स्केल में इंजीनियरिंग का पर उनको ध्यान है, क्योंकि बड़ा इंजीनियरिंग में बड़ा पैसा है, वहाँ सभी को पैसा का लेन देन भी अच्छा चलते हैं, ये सब ओपन है, सब जानते हैं। तो ये एक बड़ा गलत दिशा में हम जा रहे हैं, जबकि भारत के लिए एक बड़ा प्रायोरिटी होना चाहिए इस ढंग का जन समुदाय, जैसे खेती में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, फिजिकली जो काम करने वाले मजदूर वर्ग हैं उनका नुकसान हो रहा है, तो उनको क्लाइमेट चेंज का असर से बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए जो एडेप्टेशन एक्शन होना चाहिए, जो नेशनल एडेप्टेशन प्लान ऑफ एक्शन, उसको हमें बहुत ब्रॉड बेस करना चाहिए था, वो स्ट्रेंथन, उसमें फंडिंग आना चाहिए था, उसके लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेशर डालना चाहिए था कि भाई हमारा नुकसान हो रहा है आप पैसा दो। जो लॉसेस एंड डैमेजेस हो रहे हैं, जो अपना आपदा आ रहा है, एक के बाद एक आपदा आ रहा है, 2013 का उत्तराखंड से शुरू कीजिए, पिछले साल का हिमाचल देख लीजिए, सिक्किम देख लीजिए, महाराष्ट्र उससे पहले साल देख लीजिए, पूरी देश में हो रहा है, दुनिया में भी हो रहा है। तो हमें ये बोलना चाहिए था भाई नुकसान हमारा भी हो रहा है, हमारा हमारा लोगों का हो रहा है, हमारा गरीब लोगों का। पाकिस्तान को देख लीजिए, कितना बड़ा फ्लड में पाकिस्तान डूब गया था, उनका पूरा इकोनॉमी ध्वस्त हो गया। तो ये बांग्लादेश का हालत बहुत बुरा है, बांग्लादेश का आने वाले कुछ दिनों में करोड़ों के संख्या में क्लाइमेट रिफ्यूजी निकल रहे हैं, अभी ऑलरेडी लाखों के संख्या में हो रहे हैं। तो इन सब देशों का, हमारे देश का भी, सरकार का एक जिम्मेदारी ये भी बनता है कि हमारे करोड़ों जनता को जो नुकसान हो रहा है उसके लिए भी लॉस एंड डैमेज को एस्टेब्लिश करे, उसके लिए अमीर देशों से डिमांड करे कि आपको जिम्मेदारी है, आप पैसा दो और उन्हें मदद करो, लेकिन भारत सरकार उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है।
भारत सरकार अपना इंडस्ट्री के लिए पैसा मांग रहा है, कार्बन क्रेडिट के नाम पे बड़े बड़े उद्योग को कोट अनकोट डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड दिया जा रहा है, वहाँ प्लांटेशन करेंगे कौन करेंगे, कंपनियाँ अपना फायदा के लिए। तो वहाँ जो गरीब लोग उससे थोड़ा बहुत फॉरेस्ट प्रोडक्ट लेते थे वो भी बाहर हो जाएंगे। तो ये जो गलत दिशा में हम जा रहे हैं, हमारा एक जिम्मेदारी है ये जो गलत सोल्यूशन को समझ के इनको रोकना, नहीं तो सरकारी नीति नहीं है ऐसे नहीं है, स्टेट एक्शन प्लान्स है, नेशनल मिशंस ऑन क्लाइमेट चेंज है, 8 मिशन है, अभी तो 9 मिशन हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्शन प्लान है, काफ़ी सारे शहर में हीट एक्शन प्लान बन रहा है, बन चुका है अहमदाबाद से शुरू करके, लेकिन जो नीचे का तबका को प्रायोरिटी देके उनको सेंटर में रख के, जो सबसे ज़्यादा भुगतने वाले हैं उनको सेंटर में रख के प्लान बनाया जाए और वल्नरेबिलिटी को समझा जाए और उसके आधार पर एक्शन प्लान बनाया जाए, उसका बहुत बड़ा कदम। सर अगर हम बीते कुछ सालों में देखें तो जो क्लाइमेट चेंज के बाद कभी बड़े होटलों में इंग्लिश में होती थी, आज समय बदला, हम 2024 में हिंदी में बात करने लगे हैं, हम समुदाय को मिला के भी बात करने लगे हैं, प्लान बनाने लगे हैं। पर आपने कहा कि सरकार की प्रमुखता में ये चीज़ नहीं है, क्योंकि जब इतनी बात हो रही है गहनता से, आप जैसे बहुत सारे साथी बात कर ही रहे हैं लगातार कि भविष्य में इसकी स्थिति कितनी मुश्किल हो सकती है, क्या हो सकता है, तो सरकार की प्रमुखता में ये मुद्दा क्यों नहीं है, क्यों इस पे इतना, इसको क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? देखिए इसमें दो कारण जो मुझे दिखता है, एक तो सच में जो पूरी समझ का, जो सरकार के पास आंकड़ा नहीं है ऐसा तो नहीं है, आंकड़ा तो सभी है हाँ, और एक साइड में सरकार कुछ आंकड़ा विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक का देते रहते हैं, फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक का, विश्व बैंक का अपना आंकड़ा ये भी बोलते हैं कि जिस तेजी से क्लाइमेट चेंज का असर बढ़ रहा है दक्षिण एशिया में, जिसमें भारत है, दक्षिण एशिया सबसे बड़ा इकोनॉमी भारत है, दक्षिण एशिया में 50 से 60 के दशक के तक हो सकता है हमारा GDP का 6 से 8% घटा चलते रहे। तो मतलब एक साइड में सरकार का कॉम्प्रिहेंसिव समझ, मतलब अलग अलग हिस्सा में अलग अलग बॉक्स में जो आंकड़ा है, जो समझ है, उसको इकट्ठा लेके समझने का सरकार का बहुत कमी है। दूसरा, सरकार का ओवरवेलमिंग प्रायोरिटी है GDP बढ़ाओ। अब GDP बढ़ाने के ऊपर यदि मेरा पूरा जोर पड़ेगा तो GDP, तो आप बहुत बड़ा बड़ा उद्योग बनाएंगे तो ज़्यादा GDP बढ़ेगा, और आप लाखों मजदूर को थोड़ा सेफ एनवायरनमेंट देंगे तो उनको तो GDP बहुत नहीं बढ़ेगा ना, लेकिन उनको इकोनॉमी स्ट्रेंथन, लेकिन उनका इकोनॉमी में किसी मजदूर को 2-4 दिन 5 दिन जॉब लॉस ना हो, उनका स्वास्थ्य खराब ना हो जाए, उनमें इकोनॉमी का जो बढ़ोतरी होगा, और एक कंपनी को बहुत मदद करेंगे हाँ, जो 5,000-10,000 करोड़ पब्लिक फंडिंग से ही ले रहे हैं, लेकिन उस पैसा का घुमा के और पैसा दिख रहे, उसमें GDP ज़्यादा बढ़ता है। तो ये जो एक मतलब क्या बोलेंगे, अनहोली एक अंडरस्टैंडिंग है, एक गलत अंडरस्टैंडिंग है, GDP बढ़ाना प्राइमरी काम है, क्योंकि इसका पीछे 1970 के दशक का ट्रिकल डाउन थ्योरी था, जो आप पूरा GDP बढ़ेगा तो ऊपर का लोग पैसा आएगा, तो ऊपर से कुछ पैसा नीचे गिरेगा तो नीचे का लोग, लेकिन पिछले 40 साल से हमने देखा ऐसे हो नहीं रहे, गरीब और भी गरीब हो रहे हैं और स्ट्रेसफुल हो रहे हैं, मतलब रिलेटिव जो गरीबी है, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जिसको बोलते हैं, वो और भी बढ़ रहा है। तो एक साइड में हमने देख चुका है कि GDP बढ़ा के ट्रिकल डाउन थ्योरी काम नहीं करता है, लेकिन सरकारी स्तर पर जो पॉलिसी डिटरमिन करते हैं, पिछले काफ़ी सालों से हम देखा पॉलिसी के ऊपर कॉरपोरेशंस का इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ चुका है। जो पहले आपको दिखने मिलता था कि जनता का, ग्रुप्स का कुछ वॉइस काम करते, जैसे आप मानिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया, सरकार अपने मर्जी से नहीं लाया, बहुत बड़ा आंदोलन चला, बहुत साल चला तब आया, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया, सरकार अपने मर्जी से नहीं लाया, बहुत आंदोलन हुआ, लोगों ने ड्राफ्ट बना के दिया, मैंने बहुत ज़्यादा में प्रोटेस्ट विक्षोभ ये हो सब कुछ के बाद आया, जो भी ऐसे हुआ, लेकिन पिछले काफ़ी सालों से पॉलिसी नीति बनाने में कॉरपोरेशन का इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ चुका है, ये हमारे सरकार में भी बढ़ा, ये UN लेवल पर भी बढ़ गया, UN में जो कन्वेंशन होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, वहाँ भी कॉरपोरेशन लॉबिस्ट बहुत ज़्यादा संख्या में पहुँच रहा है, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाल रहा है, और सरकारी अधिकारी जो नेगोशिएशन में जाता है वो काफ़ी ज़्यादा इनको
इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन, जो कॉरपोरेशंस जो मुनाफा कमाने के लिए अपना प्राइमरी टारगेट उनको किसी भी तरीका से जनता से और प्रकृति से मुनाफा कमाना है, ये यदि पॉलिसी में, नीति बनाने में ज्यादा से ज्यादा इनको माना जा रहा है, जैसे आप बजट, अभी बजट का पहले जब एक्सरसाइज हुआ, कितनी जनता को ग्रुप के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बुलाया, किसी को ऑलमोस्ट नहीं बुलाया, लेकिन सारे चेंबर ऑफ कॉमर्स को बुलाया, सारे चेंबर ऑफ कॉमर्स अपना अपना डिमांड फाइनेंस मिनिस्टर के सामने पेश किया, कौन मछुआरे को बुलाया था, कौन कंस्ट्रक्शन वर्कर की यूनियन को बुलाया था, कौन आपको रिक्शा पुलर्स यूनियन को बुलाया था, कोई नहीं बुलाया। तो यदि ये प्रायोरिटी था कि हम कॉरपोरेशन को मुनाफा कमाना और GDP बढ़ाना, ये हमारा प्राइमरी टारगेट है, तो हमें इसको रिजल्ट यही होगा, ऐसे बुरा रिजल्ट होगा, और एज पीपल्स ग्रुप्स हमें इसको फाइट करना होगा। यूनियनाइज्ड ऐसे ग्रुप है जिसको यूनियन बन चुका है, वहाँ इस ढंग का बात उठना और आसान होगा। जहाँ यूनियनाइज नहीं हुआ, NGO टाइप चलते हैं, वहाँ थोड़ा सा दिक्कत है।